तीनों का भी वही अंजाम होगा जो आमेर के होने वाले दामाद का किया गया है। आमेर की शहजादी के होने वाले शौहर का सर तोहफे में भेज रहे हैं। अब अपने बेटों के सिर कैसे चाहिए खुद फैसला कर लेना। मेवात का सूबेदार शरीफुद्दीन। जलालुद्दीन का सर काट कर राजा फारबल के कदमों में लाएंगे और यह हमारा उपहार होगा राजकुमारी जोधा को और पूरे आमेर को। तो कोई भी आपकी और हमारी इस जुदाई का कारण बना है हम उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। अब या तो हम जीवित रहेंगे या जोधा, जोधा, जोधा आंखें खोलो बेटा। कहीं कहीं शगुनी बाई का खास सच। भाग्य करवट ले रहा है। नियति तुम्हारी जोधा को उसके मंजिल के करीब ले आई है। नहीं जोधा, बात करो हमसे मासा। हम तारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। याद रख बेटा कि तू एक भूमिपाल की बेटी है। शत्रुओं का लहू बहाने के लिए जन्मी है तू, अपने आंसू नहीं। भूमिपाल तो अपनों के बलिदानों पर फूल बरसाते, विलाप नहीं करते। तू आमेर की राजकुंवरी, आमेर इस समय मुसीबत में, लेकिन तुझे हिम्मत रखनी होगी। हिम्मत रखनी होगी बेटा, नहीं डरेंगे, उनका सामना करेंगे। तुम में से किसी को घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पतियों की रक्षा करने के लिए भारमल है, क्योंकि वो सिर्फ आमेर का राजा ही नहीं
उनका पिता भी है। पिता होने से पहले हम आमेर के राजा हैं और हमारे लिए राज धर्म सबसे ऊपर है, और इसीलिए हम आमेर के बारे में सबसे पहले सोचेंगे, परिवार के बारे में बाद में। आमेर की प्रतिष्ठा को कभी कलंकित नहीं होने देंगे। तो क्या हुआ कि हम उनसे जीत नहीं पाए, पर हमने अब तक हार नहीं मानी है। हम उनकी ना कोई बात सुनेंगे और ना ही सहेंगे। क्या हारमल ऐसा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ऐसा। जो कुछ भी हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा। जो था सूर्यबान की हत्या का प्रतिशोध आमेर लेगा। कौन लेगा प्रतिशोध बापू सा, और किस कीमत पर? हमारे तीनों भाई उनकी कैद में हैं, हजारों वीर योद्धा उनकी कैद में हैं, और आपका एक कदम उन सबकी जान ले सकता है बापू सा। तो क्या करें? मुगलों के सामने झुक जाएं, अपना राज धर्म भूल जाएं? वीर पुत्रा होने के साथ साथ आप एक पिता और राजा भी हैं बापू सा। आपके तीनों बेटे और शूर वीर सैनिकों की रक्षा करना भी आप ही का धर्म है। हम युद्ध हार चुके हैं बापू सा, जो खोना था सो खो दिया, पर जो बचा है उसे बचाना होगा बापू सा। हम अपने भाइयों को नहीं खोना चाहते हैं बापू सा, और अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है सिवाय उनकी शर्तें मानने के। हम तो अपने होने वाले पति को खो चुके हैं, पर अपनी भाभियों और बाकी वीर पत्नियों की मांग के सिंदूर को उजड़ते हुए नहीं देख सकते। बेटी जोधा, तुम्हारी बात सुनकर इस सभा में लोग तुम्हें कायर समझेंगे, पर हम समझ सकते हैं कि अपना दर्द भुलाकर और लोगों की जान की चिंता करने के लिए कितने साहस की जरूरत है। हम समझ सकते हैं, हमारी पुस्तक। भाई साहब, आपको तैयार नहीं होना है क्यों? आज बीकानेर की राजकुमारी का ब्याह है, हम तो कब से तैयार हो चुके हैं। वो तो हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है मानो आज थारो ही ब्याह हो। अरे, अपने ब्याह में हम इतने कम गहने थोड़ी ना पहनेंगे। अपने ब्याह में तो आपने हमें जितने भी गहने भेंट में दिए है ना, सारे के सारे लाद लेंगे। वैसे आप क्या पहनोगे हमारे ब्याह में? बहन की शादी पे भाई को तैयार होने का समय कहाँ मिलता है, 100 काम होते हैं सर पर। पर हाँ, थारी डोली उठने के बाद जब भाई पीछे से चावल बांटते हैं ना, तो वहाँ सबसे पहले हम ही खड़े मिलेंगे, और थारी डोली भी हम ही उठाएंगे। जोधा, जोधा, हमें माफ कर दो। आप केवल हमारे नहीं, पूरे राज घरानों के अपराधी हैं। शूरवीर वो होते हैं जो अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन किसी की गुलामी नहीं स्वीकार करते, जैसे राजा सूर्यभान ने किया था। और आप अपने आप को बेच आए मुगलों के हाथों? गद्दी पाने के लिए गद्दारी की है आपने। आपने अपनी बहन के होने वाले पति का सर काट दिया।
जोधा मेरी बहन, हमारी बात तो भाईसा नहीं है आप हमारे। शत्रु का मित्र शत्रु होता है, जलाल हमारा शत्रु है और उसके मित्र होने के नाते आप भी हमारे शत्रु हैं। जोधा